पाकिस्तान से खबर आ रही है जहां के बलूचिस्तान में मस्जिद के पास जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में डीएसपी समेत 25 लोगों की मौत की खबर है। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईद मिलादुन नबी के जुलूस को निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण धमाका हुआ है, आत्मघाती हमला ऐसे बताया जा रहा है। कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। मस्जिद के पास ये धमाका, और कल ही देखिए ईद का त्योहार था, इस मौके पर मस्जिद के पास ये जोरदार धमाका हुआ और पूरा का पूरा इलाका किस तरह से दहल उठा है। कई लोग घायल हुए हैं धमाके में, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों की संख्या भी देखिए, पहले 20 थी, अब वो 25 हो गई है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये भीषण ब्लास्ट हुआ, इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और घायलों में कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ये धमाका बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के अल फलाह मस्जिद के पास ईद मिलाद उल नबी के जुलूस को निशाना बनाकर किया गया। हमारे सहयोगी रोबिंदर सिंह रोबिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोबिंदर, बड़ा ये हादसा हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। देखिए 25 लोगों की जान चली गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जी रोबिंदर सिंह रोबिन, जी बताइए, अब आप काइंडली क्वेश्चन दोहराएंगे प्लीज। जी, ये जो बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, देखिए 25 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, ये आज सुबह ये धमाका हुआ जब रिलीजियस रिचुअल्स के लिए ये वहाँ पे डिवोटीज इकट्ठे हुए थे और धमाका इतना जबरदस्त था कि जिसमें जब शुरुआती दौर में बताया गया था कि 10 के करीब लोग मारे गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस की अभी ये जानकारी दी जा रही है कि 25 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 50 से ज्यादा इंजर्ड हैं। इससे पहले भी इस महीने के शुरुआत में भी एक धमाका बलूचिस्तान में इसी तरह का किए हो गया था, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है। पुलिस थोड़ी देर में एक प्रेस ब्रीफिंग करेगी, फिर उसमें इसका और खुलासा होगा कि किन लोगों ने करवाया है। अभी तक क्या किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है रविंदर? जी, अभी तक किसी संगठन ने इस पे जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो पुलिस अभी थोड़ी देर में ब्रीफिंग करने वाली है और उसमें इस बात का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये जो बड़ी अपडेट आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बलूचिस्तान में मस्जिद के पास जो धमाका हुआ है, 25 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हुए हैं लोग, 50 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। तो बलूचिस्तान में मस्जिद के पास ये भीषण धमाका हुआ है। और रविंदर, और क्या जानकारी मिल रही है बलूचिस्तान में, किस वक्त ये हादसा हुआ है और अभी क्या घायलों की संख्या और बढ़ सकती है? तो लगता है संपर्क यहाँ पर कट चुका है, लेकिन देखिए जिस तरह से ये बड़े धमाके की खबर यहाँ पर आ रही है, कितने लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी है। देखिए त्योहार का मौका था, ईद का मौका था और इस मौके पर आमतौर पर जो लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, और ऐसे में देखिए मस्जिद के पास इस तरह से बड़ा धमाका होना, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन ने इस पूरी हमले की जो है जिम्मेदारी नहीं ली है। दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का बलूचिस्तान जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है मस्जिद के पास, 25 लोगों की अब तक धमाके में मौत हो चुकी है और जो घायलों का आंकड़ा है 50 अभी इनकी संख्या बताई जा रही है। धार्मिक जुलूस को निशाना बनाया गया और जो घायल हुए हैं लोग उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। तो डीएसपी समेत 25 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई जख्मी हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की खबर आपको बता रहे हैं, भीषण धमाका, आत्मघाती हमला ऐसे बताया जा रहा है, 25 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं। और देखिए ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान जो इलाका है और ऐसे में इसी क्षेत्र में ईद के मौके पर लोग एकत्रित हुए थे मस्जिद में, मस्जिद के पास ये बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई धमाके हो चुके हैं, लेकिन ये जो फिलहाल धमाके की खबर आ रही है इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है।
Z News.